तो मास्टर शेफ का जो ये एपिसोड शुरू हुआ है आप लोगों को जरूर देखना है। देखिए इनके जो जजेस हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और सभी की मैं वीडियोस देखती हूँ इनमें से, और सबकी वीडियोस भी बहुत अच्छी होती है। इजी रेसिपी बताते हैं और बहुत हेल्प भी करते हैं, तो उनको भी मेरा नमस्ते है और सबको ऑल द बेस्ट। सब जीते क्योंकि हर कोई जीतने ही आता है, बट बा के लिए एक स्पेशल मेरे लिए मेरे अंदर जगह बन गई है कि मैं जिसके लिए कि मेरे को पूरी रात में बस यही सोचती रही कि काश मैं बा को मिल पाऊँ। हेलो फूडिस्ट व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आज का जो ब्लॉग है ना वो इसलिए बन रहा है क्योंकि कल से शुरू हो गया हुआ है मास्टर शेफ सीजन 7, जो कि 2023 में शुरू हुआ है। और इसको कल मैंने इसका पहला एपिसोड देखा। यकीन मानिए मेरे को मास्टर शेफ का जो ये एपिसोड्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं, ये सीरियल्स बहुत अच्छा लगता है, पर कल जो मैंने एपिसोड देखा और उसमें आई है एक उर्मिला बा करके, आप लोग देखिएगा, 78 ईयर्स ओल्ड लेडी है और इतनी हिम्मत है उनमें, इतना उनमें पैशन पैशन है काम करने का। और जो मैंने कल जब उनका ये देखा ना जो एपिसोड, तो उसके बाद पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई, बस ये सोच सोच कर ये इतनी एज की हो गई है और फिर भी इनमें कितना ज्यादा, मतलब इनकी विल पावर स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी पॉजिटिव है, और अपने पैशन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैंने क्या किया, सुबह जैसे ही हुआ नाश्ता पानी बनाकर मैंने इनके लिए सर्च शुरू कर दिया, और सर्च करने के बाद मैंने इनका एक वीडियो जो कि ढूंढते ढूंढते मेरे को मिल ही गया, और उसमें बताया गया कि इनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे अब इनके नहीं है इस दुनिया में, और फिर भी ये इतनी स्ट्रांग है। इन्होंने अपने लिए, अपने घर के लिए, मतलब बच्चे ना होते हुए भी, चाहे 2 जने भी हैं घर के, उनके लिए भी इन्होंने अपने लिए इतना काम जो है, मतलब करने की सोची, अपने आप को आगे बढ़ाने का सोचा, और अपने लिए एक नया परिवार लाके खड़ा कर दिया, जो कि इनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर, कई लेडीज हैं जो साथ में काम कर रही हैं, ये अपना सुबह 9 बजे से 7 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक ये खाना बनाती हैं, ब्रेकफास्ट बनाती हैं, जोमेटो पे डिलीवर देती हैं, सब जगह देती हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है, आसपास के लोग इनसे बहुत इंप्रेस होते हैं, उनको इतना इनसे, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि किसी को देखकर हिम्मत आती है, तो लोगों को, आसपास के लोगों को देखकर इनको बहुत हिम्मत आती है, जो कि मैंने सर्च करा है आज सुबह से, और बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि कब बस पूरा देखूं, इनके लिए सर्च करूं और आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करूं। तो ये जो बा आई हैं, सच में इनको देख कर ना कभी कभी मुझे भी लगता था कि जो मेरा YouTube चैनल है इतना ग्रो नहीं करता, Facebook पेज है इतना ग्रो नहीं करता, ऐसा नहीं है, अर्निंग मुझे भी आती है थोड़ी बहुत, बट क्या होता है ना कि लगता है कि इतना इतने साल हो गए, पर नहीं, अब लगता है कि अब चाहे कितने भी साल हो जाए हमने भी अपनी एक जगह बनानी है। और वो जगह बनाने के लिए ना मुझे जो ये बा है ये इनका, मतलब देखकर अब नहीं हिम्मत हारनी, अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी हमने, और खूब आगे जाना है मैंने भी ऐसे ही, और मैं ऑल द बेस्ट कहती हूँ सब कंटेंटेंट्स को, बट बा के लिए एक स्पेशल, मतलब ऑल द बेस्ट, स्पेशल से भी स्पेशल मेरे लिए, और मैं चाहती हूँ कि बा इस सीजन की विनर बने, और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरी ज्यादा से ज्यादा वायरल हो और उन तक पहुँचे, और मैं उनसे, मतलब अगर भगवान ने चाहा तो ये वीडियो उन तक पहुँचे, और वो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत मोटिवेशन मिल रही है उनको देखकर कि इस एज में आकर जब
मतलब बंदा कहता है कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, अब हमें आराम करना है, और इस उम्र में आकर वो मास्टर शेफ पर आकर खड़ी हुई है। तो उसके लिए बा को ऑल द बेस्ट है, और सब जाने उनको ऑल द बेस्ट करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो बा तक जरूर जानी चाहिए। तो इसको शेयर सिर्फ उनके लिए करना है आपने। तो बा का ये जो इतना ज़्यादा मतलब पैशन खिलाने का, उनको खाने का भी शौक है, बनाने का भी शौक है, और गुजराती हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाश्ते बनाती हैं। और आप यकीन मानिए कि कौन ऐसी माँ होगी जिसके तीनों बच्चे नहीं है और वो फिर भी अपने आप में इतनी स्ट्रांग है, खुद भी खड़ी हुई है, औरों को भी खड़ा किया है। तो जरूर उनको सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन तक जरूर जानी चाहिए।